निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सीएम योगी की प्रतिक्रिया, जानिए क्या कुछ कहा। यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए राज्य के 38 जिलों में गुरुवार को वोटिंग होगी। वोटिंग सभी जगहों पर सुबह 7 बजे से शुरू हो गई, शाम 6 बजे तक ये चलेगी। वोटिंग के लिए राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वोटिंग से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव 2023 का अंतिम चरण आज है। सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए लोकतंत्र के इस उत्सव में अवश्य सहभागी बने, मतदान जरूर करें। आपका अमूल्य वोट आपके नगर निकाय को और भी सशक्त बनाएगा। ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया, प्रदेश के मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अमेठी समेत 38 जिलों में गुरुवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। इस चुनाव के लिए प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सत्तारूढ़ बीजेपी के प्रमुख नेता, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव प्रचार मंगलवार शाम समाप्त हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक दूसरे चरण के तहत राज्य के 38 जिलों में 1.92 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डाल सकेंगे। दूसरे चरण में मेरठ, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, अयोध्या, नगर निगम के महापौर का भी चुनाव होगा। इस चरण में प्रदेश से 7 नगर निगमों के महापौर पद के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में। उन्होंने बताया, इन 7 नगर निगमों में पार्षद के 581 पद के लिए 3,840 उम्मीदवार मैदान में। इसी प्रकार 95 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पद के लिए 969 उम्मीदवार, नगर पालिका परिषद के लिए 2,520 सदस्यों के लिए 13,315 उम्मीदवार मैदान में, जबकि नगर पंचायतों में 267 अध्यक्षों के पद के लिए 2,942 उम्मीदवार, इनके साथ ही 3,459 सदस्यों के पद के लिए 17,997 उम्मीदवार मैदान में।